दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से अलहमरा आर्ट गैलरी में मेगा आर्ट इवेंट की तकरीबात तीसरे रोज़ भी जारी रहीं। तकरीब के आखिरी रोज़ ताहिर यूसुफ और सायरा ताहिर ने रिबन काटा। इस मौके पर मिस आमना आफ्ताब, चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दक अब्बासी, मशीर वजीर अला पंजाब, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रोफेसर उमैर ज़िया, मिस रुबाब साफी खालिद फारूकी, तजियाकार नईम हनीफ समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मेगा इवेंट में तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया और फन मसवरी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर मॉडल ड्राइंग, हकीकी मसवरी, तखयली मसवरी और प्लेन ज्योमेट्री जैसे मौजूदात पर आर्ट वर्क बनाकर नुमाइश के लिए पेश किया गया। बानी दी ट्रस्ट मोहतरमा सायरा ताहिर भी शरीक हुई। तकरीब के शुरका ने सिटी फॉर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीना इमरान है एंड आई एम लीडिंग ट्रस्ट स्कूल सीनियर गर्ल्स कैंपस टोकर न्याज बेग। मैं बताना चाहूँगी हमारे हम आज मेगा आर्ट इवेंट का थर्ड डे और लास्ट डे चल रहा है जिसमें स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन है और वो बड़ी ही अपनी महारत के साथ अपनी स्किल्स को दिखा रहे हैं कि किस तरह वो भी क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज करते हैं और किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है अपनी एबिलिटीज़ को शो करने का और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का। आज का इवेंट इज़ अ वेरी इंकरेजिंग इवेंट फॉर द डिसेबल्ड कम्युनिटी। डिसेबल स्कूल्स को स्पेशली टर्निंग डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी इज़ द पर्पस। इन बच्चों को कोई मौका मिलता नहीं है एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड थैंकफुल फॉर द ट्रस्ट स्कूल टू ऑर्गेनाइज सच अ बिग कंपटीशन अमंग दीज किड्स, क्योंकि इनको इनक्रेज करना ऐसे जो साहिब बायस रहमत हैं, बायस जहमत नहीं है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी द स्माइल्स और बहुत खुशी हुई है मुझे इस इवेंट पे आके। जी मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो स्पीचलेस हूँ बिल्कुल। मैं एनसीए से आया हूँ और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है यहाँ पर आना। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि माशाल्लाह हमने इन बच्चों में बड़ा एक पोटेंशियल देखा है कि ये ख़ुद एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। ये सिर्फ हॉबी नहीं है आर्ट, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। तो अभी सर हमें बता रहे थे कि लम्स में बच्चे आपके जाते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मेरे साथ बड़े ट्रस्ट स्कूल के बच्चे थे। तो मैं तो चाहूँगा जी कि मैं वेट कर रहा हूँ कि एनसी में भी बच्चे आएँ आर्ट्स में और आई एम सो इम्प्रेस। सारा क्रेडिट जाता है मैम को, मैम इस्मत को, सारी आपकी फैकल्टी को और स्टाफ को। ये एक हेल्दी इवेंट है बच्चों के लिए और काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। मेरे बेटे ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट पोजीशन ली है उसने, तो उसी सिलसिले में आए थे। बड़ी खुशी हुई, हमारे जो कौम के बच्चे हैं काफ़ी एनर्जेटिक हैं। जी आप खुद भी देख रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट स्कूल ने जो इवेंट अरेंज किया उसमें ये आज स्पेशल बच्चों के लिए था, जो ये हमारे बहुत ही ख़ास बच्चे होते हैं और उन अवेयरनेस सोसाइटी में कि इन बच्चों को किस तरह से आपने हैंडल करना और किस तरह से इनके साथ बिहेव करना। तो माशाल्लाह बहुत रौनक है और ट्रस्ट स्कूल की कम्युनिटी सर्विस हमेशा जारी रहेंगी, सोसाइटी के लिए अवेयरनेस मैसेजेस हम देते रहेंगे। ये जी एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है ट्रस्ट स्कूल का जिसमें स्पेशल नीड्स के बच्चे भी साथ हैं और ये जो इंक्लूजन का इन्होंने माहौल दिया है हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारा जो सोशल स्टिग्मा है उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये लोगों को बता सकें कि हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं और स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं ये सारे इक्वल हैं और हमें इन सब के साथ मिल के इनको ले कर चलना चाहिए। ज़ाहिर है इस इवेंट में आके जितनी मुझे खुशी महसूस हो रही है और ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल बच्चों का मैंने यहाँ पे काम देखा है और जिस तरीके से उनकी ग्रूमिंग की जा रही है, उनकी तरबियत की जा रही है, उनकी एजुकेशन के हवाले से और ख़ास तौर पे जो आर्ट वर्क है जो मैंने देखा है, मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल हवास रखने वाले जो बच्चे हैं शायद उनसे भी बढ़कर उन्होंने परफॉर्म किया है और बड़ा टैलेंट है इन बच्चों में। और ट्रस्ट स्कूल जो है बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं इबादत का वर्ड दूंगा कि अपनी मदद आपके तहत विदाउट एनी फंड रेजिंग जिस तरीके से वो हज़ारों की तादाद में बच्चों की तालीम और तरबियत को जारी रखे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इनके शाना बशाना जो है वो इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, इनका बाजू बनना चाहिए और सबसे बढ़कर हुकूमत वक्त को जो है इन इश्यूज़ को
जो है वो टेकअप करना चाहिए और ऐसे इदारों को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा है ये, आज यहाँ पर अल्हम्ब्रा आर्ट गैलरी में ट्रस्ट स्कूल की ये आर्ट एग्जीबिशन देखी है, बहुत ही अच्छा लगा है ये। मैं ये समझता हूँ कि एक रोल मॉडल है ट्रस्ट स्कूल जो है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जिस तरह से ये एजुकेशन सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत से और भी लोगों को इस तरह से इस फील्ड में आना चाहिए। और देखें एजुकेशन के अंदर आप जितना भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे अब अपने आने वाली नस्लों को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे, और यही एक मजबूत और ठोस बुनियाद होती है किसी भी कौम को बनाने के लिए, नेशन बिल्डिंग जिसे कहते हैं। तो ये इससे बेहतर मेरा ख्याल है कोई भी खिदमात नहीं हो सकती जो आप मुआशरे में आप अपनी आने वाली नस्लों को जो दे सकते हैं। तो ट्रस्ट स्कूल के लिए एक बार फिर मैं ये उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, वेल डन। और आज की एग्जीबिशन बहुत ही अच्छी थी, ये आज के जो स्पेशली एबल जो बच्चों की एक एग्जीबिशन थी बहुत आला उनका आर्टवर्क देखा, उनकी सलाहियतें उन्हें थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए, इसका मतलब यह है ये बात पता चलता है कि बस उन्हें थोड़ा सा सहारा देने की ज़रूरत है। इस मौके पर बच्चों ने बैंड की खूबसूरत धुनों के साथ मेहमानों का इस्तकबाल किया और सलामी पेश की। तकरीब में शरीक वालदैन और मेहमानों ने बच्चों के काम को बहुत सराहा, मेहमानों ने आर्ट के फन पारे बनाने पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन खुर्रम एयाज के साथ खुर्रम रफीक, नुमाइंदा सिटी फॉर न्यूज़, लाहौर।